लगा के रखना, डोली सजा के रखना, मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, लेने तुझे अगोरी आएंगे तेरे सजना, मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, उड़ के तेरे जुल्फे करती है क्या इशारे, दिल थाम के खड़े हैं आशिक सभी गवारे, तो दोस्तों आज है हल्दी का दूसरा दिन और इसको मैंने दूसरे पार्ट में आप लोगों को स्वागत कर रही हूँ। आज है दूल्हे का मेहंदी होना, तो चलिए दूल्हे राजा रेडी हैं मेहंदी लगाने के लिए और मेरा मेहंदी लग चुका है क्योंकि आज का मेहंदी का प्रोग्राम जो है तो मेरी बिटिया रानी निभा रही है और अपने चाचू की मेहंदी का फुल जिम्मेदारी मेरी बेटी ली है लगाने का और सभी लोगों को ये लगा चुकी है। अब बारी थी दूल्हे राजा की, तो मैं अपने रूम में इनको लेके आई हूँ और एक साइड होके मेहंदी लगाया जाए तो ये बेहतर होगा ये सोच के मैं इनको एक साइड पे ले आई हूँ। और ये देखिए मेरी बिटिया रानी का आर्ट, मीन्स यूँ बोल लीजिए कि एक आर्टिस्ट, मेहंदी आर्टिस्ट जो होता है मेरी बिटिया के सामने कुछ भी नहीं है। ये बहुत अच्छे से मेहंदी लगाती है और पूरा जिम्मेदारी मेरी बिटिया रानी ने ले लिया है। तो चलिए मेहंदी के प्रोग्राम को भी एंजॉय करते हैं और साथ के साथ मैं आगे देव पूजन का वीडियो मैं आप लोगों के साथ पेश करूंगी इसी वीडियो के अंदर। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो पे बने रहेंगे और वीडियो पसंद आने पे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिएगा, बेल आइकन दबा करके नोटिफिकेशन भी ऑन करिएगा ताकि फ्यूचर में मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो यहाँ पर देखिए दूल्हे के हाथ में मेहंदी लग चुका है और ये रही मेरे हाथ की मेहंदी जो कि मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये है छोटी बिटिया की मेरी मेहंदी जो कि ये कलर आ चुका है, इसने हैंड वॉश कर लिया है। और चलिए दूल्हे के हाथ में अब रच रही है दुल्हनिया के नाम का कॉलम जो भरा जा रहा है, जो यहाँ पे खाली रखा गया था। और ये देख लीजिए मेरी देवरानी का नाम है राधिका। और ये रही मिस्कू का मस्ती अपने बड़े पापा के साथ। और दोस्तों ये बता दूं कि ये मेरी देवरानी की बेटी है जो अपने पापा के साथ फुल मस्ती कर रही है बड़े पापा के साथ। और सभी के हाथों का मेहंदी अब लग चुका था और फाइनल लुक मैंने दिखाने की आप लोगों के साथ कोशिश की है। तो दोस्तों आप लोग बताइएगा कि मेहंदी कैसा लगा है। देवरानी जेठानी मिलके सभी लोग रेडी हैं देव पूजन के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पे हम दूल्हे को रेडी करेंगे, धोती वगैरह पहनाना होता है हमारे रिवाज के अनुसार और बारी बारी से जाकर के हम अब कुल देवी देवताओं का पूजन करेंगे। तो आई होप कि आज की वीडियो आप लोग एंजॉय कर रहे हैं।
मैं ऐसा ही उम्मीद कर रही हूँ। तो यहाँ पे मिल लीजिए मेरे फैमिली से, हम लोग देवर भाभी जेठानी सभी लोग मिले हुए हैं। हम फैमिली में जितने भी मेंबर्स हैं सभी लोग पूजन के लिए निकल पड़े हैं। और पूजन के लिए कहाँ जा रहे हैं दोस्तों, तो मैं बता दूँ, सबसे पहले हम काली मंदिर में जाएंगे जो हमारे घर के पास में ही स्थित है। और ये काली पूजा हमारे ग्राम काली पूजा के नाम से जाने जाते हैं, और ग्राम काली पूजा सबसे सर्वप्रथम होना है। तो हम लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं और यहाँ पूजन करते हमें करीबन 1 से 1.5 घंटा का टाइम जाता है। उसके बाद बारी बारी से हम बाकी जगहों पे जाके भी पूजन करेंगे। और क्या ही बोलूँ, आप लोग वीडियो एंजॉय करिए दोस्तों, और प्लीज़ कमेंट डाउन करके बताइएगा कि मैंने पूरी कोशिश जो की है वो कामयाब हो रही है कि नहीं हो रही है। मैंने अपने देवर की शादी में जितना भी इंजॉयमेंट किया है और जो कुछ भी किया है मैंने आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश की है दोस्तों। घर में पधारो गजानन जी मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी मेरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी मेरे घर में पधारो, घर में पधारो। तो फ्रेंड्स, ग्राम काली पूजा जो है हमारा, जैसे मैंने बोला कि हमारे घर के सामने में स्थित है ये मंदिर, तो यहाँ पे पूजा हमारा हो गया है और सभी लोग अब प्रणाम वगैरह करके हम आगे की ओर बढ़ेंगे, जो कि हमारे घर में ही काली माँ की मूर्ति स्थापित है, वहाँ पे हम लोग पूजा करेंगे। उसके बाद हमारा जो भी प्रोग्राम होगा आगे देखा जाएगा। तो प्लीज़ वीडियो पे ऐसे ही बने रहिएगा और इस वीडियो को बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद दीजिएगा, क्योंकि मेरी देवर और देवरानी की न्यू लाइफ के से अटैच्ड है और मैं चाहूँगी कि नए जोड़े को खूब सारा आप लोग आशीर्वाद दीजिए। तो पहले यहाँ पे हमारे फुल फैमिली का फ़ोटो निकाला जाएगा, उसके बाद हम आगे की ओर अब बढ़ने चले हैं। तो चलिए आप लोग भी मेरे साथ साथ, और मैं क्या क्या कर रही हूँ इस वीडियो में, मैंने अपने देवर की शादी में क्या क्या किया है, फुल वीडियो में आप लोगों को दिखाने की कोशिश की है। पहले तो मैं घर आ गई थी पूजा करके, वहाँ से ग्राम काली पूजा करके, उसके बाद यहाँ पे मैं घर में जो मैं हमारे घर में काली माँ का मंदिर जो स्थापित है वहाँ पे हम लोग अब पूजा करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो पे बने रहिए दोस्तों। ब्रह्मा जी आना, विष्णु जी आना, 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 भोले शंकर को भी ले आना।